का वीडियो आप सभी को स्वागत करते हुए टीएनसी स्पोर्ट्स की द्वारा प्रेजेंट किए गए बीजीएस के प्रैक्टिस गेम्स के अंदर तो भी टोटल 19 टीम जॉइंट एंड टोटल 50 प्लेयर्स चला। तो सभी को ऑल द बेस्ट कहते हुए और आज के मैच को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला मैच मिरामार स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपका टीएनसी मामा पे आज के कास्टिंग को कंटिन्यू करते हुए तो सबसे पहले प्लेन पाथ की तरफ बढ़ेंगे। एल्लाजार से होते हुए मोंतोनियो एंड एल्पोजो के बीच से स्लाइस करके जाते हुए मेरे को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे स्क्वाड्स इसी के मेरे को देखने मिल रहा है। एक तरह से अर्ली ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। टीम अर्बन गेमिंग होंगे, टीम जीरो केल्विन होंगे एंड एज वेल टीम कॉस के स्क्वाड साइड से एल्लाजार एंड इम्पाला की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एल्लाजार में चेकआउट करते हैं तो दो स्क्वाड ऑलरेडी है। तो कॉस के स्क्वाड एक तरह से 4 मैच स्टैंडिंग है। तो यहाँ पे टीम अर्बन गेमिंग के चेकआउट करते जिन्हें वो फिलहाल एल्लाजार को छोड़ते हुए तियारा ब्रोंका तक जाते हैं और यहाँ पे चेकआउट करते हैं। यहाँ पे पेकाउडो एंड आसेंद दिल पत्रन में क्या कितने स्कॉर्स उतरते हैं। तो टीम आर3 शायद से पेकाडो की तरफ जाते हुए देखने मिले। फिर जीरो ZX के बिलीवर ओपी भी शायद से पेकाडो के जाएंगे और यहाँ पे DMR के स्कॉर्ड पूरी एक तरह से सैन मार्टिन में उतर चुके 4 मैच स्टैंड और यहाँ पे फिलहाल को एक्वायर करेंगे। और उन पर बढ़ते योर डैडी पे जो कि टीम नंबर 15 के साथ खेल रहे हैं। तो टीम नंबर 15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग जिस टीम लॉस्ट की स्कोर आज के मैच से 2 मैच स्टैंड उतरी है। तो अपने लूट वगैरह कंटिन्यू करके चेकआउट करते हैं कब तक ये स्क्वाड फाइट में एंगेज करें, क्योंकि एक तरह से 2v4 है। अपने लिए एक आध अगर अर्ली पिक्स लेंगे अगर स्क्वाड के मेंबर्स का स्पॉट आउट करके नॉक एंड फिनिश ऑफ करने का चांस मिलेगा तो उनको जरूर से ले लेना चाहिए। तो हमारी कैसे हम जरूर देखने मिल रही है एक हेलमेट पूजी है। तो अपने हेलमेट वगैरह पिक ऑफ करते हुए देखने मिल जाएंगे और वासन दिल पत्र में टीम एक्सट्रीम की स्क्वाड उतर चुके हैं और आज और शायद से इस वाले पोजीशन के लिए यहाँ पे कंटेस्ट करने के लिए कोई भी स्क्वाड नहीं। तो यहाँ पे एक तरह से 4 मैच प्लेयर उतर चुके। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो है आपको पता है BGMI PUBG का क्या स्टैटिस्टिक्स है और क्या अगर वहाँ पे कोई बंदा नहीं उतरा अगर किसी भी लोकेशन में अगर आपकी स्क्वाड अकेले उतर रही है तो आपको ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे लूट काफ़ी कम होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखने वाला टीम एक्सट्रीम कैसे फिलहाल काफ़ी कम लूट है। देखिए टीम आर3 के एक बंदे को नॉकआउट कर चुके हैं बस ZX बिलीवर पे एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज गोइंग टू पिक ऑफ एम आर3 यूजी को जो कि टीम का एजल उनको यहाँ पे नॉकआउट कर चुके हैं। उनके बाकी मेंबर्स जरूर से कवर फायर देने के लाएंगे। यहाँ पे रेड एम बढ़ते रेड एंड सामने 1v1 फाइट होती है। बिलीवर ओपन स्पॉट कर चुके हैं रेड एंड को पिक ऑफ कर दिया। उनके हेलमेट नहीं था और सारे के सारे बुलेट एक तरह से परफेक्ट यहाँ पे वेस्ट में कनेक्ट होने से यहाँ पे रेड एंड नॉकआउट देने के बिलीवर पे फिलहाल रशिंग करते हैं। चेकआउट करते हैं यूजी का किल वगैरह सिक्योर कर पाते कि नहीं जी ने यहाँ पे यूजी को उन्होंने स्पॉट आउट नहीं किया। लेकिन टीम आर3 की स्क्वाड जरूर से एक तरह से प्योरीफाई देने की कोशिश करेगी और एक बंदा सर्व करना पड़ा राधिका विद एक जी यहाँ पे 1v4 कर चुके जी ZX के बिलीवर ओपी की तरफ से यहाँ पे 1v4 हो चुके हैं टू टीम आर3 की स्क्वाड। यहाँ पे आर3 की स्क्वाड एक तरह से अर्ली लूट वगैरह उन्होंने उतनी अच्छी लूट वगैरह कैप्चर नहीं कर पाई जिसकी वजह से यहाँ पे बिलीवर ओपी एक तरह से 1v4 कर चुके टू टीम आर3। तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं वापस सैन मार्टिन में योर डैडी सॉरी माय बैड यहाँ पे मारी ने एक किल सिक्योर कर चुके ऑलरेडी DMR के स्क्वाड की तरफ से और यहाँ पे एक तरह से 2v3 हो चुका है। तो 2v3 ऑफकोर्स रहती है डुएबल है लेकिन अभी फिलहाल के टीपी भी ले रहे हैं और टीपी भी चेकआउट करते हैं। टीपी से एक और बंदे को नॉकआउट करने के चांसेस है DMR के प्रमोद को। यहाँ पे फुटस्टेप जरूर से देखने को मिल जा रहे हैं और हमें बढ़ते यूज के ड्यू पे डू फिलहाल के लिए एक तरह से अलग एंगल बना चुके हैं। लेकिन अभी मुकेश की पोजीशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ से चेकआउट करेंगे तो इजी नॉक्स वगैरह सिक्योर कर पाएंगे मुकेश के द्वारा। शायद से फिलहाल के K9 को ड्रॉप कर चुके क्योंकि एक तरह से क्लोज इन फाइट हो सकता है और अब K9 क्लोज इन ऑफकोर्स रहते उतना वायबल गन तो नहीं है। तो अभी फिलहाल मारी वगैरह रशिंग करते हैं DMR के सागर पर एक तरह से 1v3 हो जाएगी। इसलिए बिल्डिंग अंदर क्योंकि उनके बाकी दो मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा दूर है और हम पे रशिंग करने की कोशिश फिर मारी पे शायद से जैसे फुल ऑन एग्रेसिव मोड देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे यूजी एंड एकिंग के साथ हमें रशिंग करते हैं। यहाँ पे चेकआउट करते हैं हमें टेरेस पे आ चुके लेकिन योर डैडी स्पॉट करते योर डैडी एक तरह से दोनों एक साथ ही चल रहे थे। तो टीम DMR की स्क्वाड एक तरह से 3 मैच प्लेट हो चुके हैं। DMR के सागर ने एक तरह से अपना को जंप अप करके एक तरह से अपने एक अलग कंपाउंड में जा चुके और हम पे यहीं पे होल्ड करते देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे लेवल 1 हेलमेट एंड लेवल 2 का वेस्ट जिसके साथ हम पे AKM के साथ देखने मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन एंड एक तरह से डिसेंट सी लूट हो चुका है। लेकिन क्या इस बार योर डैडी का स्पॉट चाहिए डैमेज थोड़ा सा प्रोवाइड हुआ। यहाँ पे एक बॉडी शॉट कनेक्ट से एक तरह से 40 HP कम हुआ लेकिन फिलहाल के उनको अपना हील करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा यहाँ पे टीवी लेने को मारी हुई तो यूजी के साथ एम्बेरसिंग करते हैं। इसलिए यूजी के अंदर 25 बुलेट है और हमें DMR सागर के AKM के टोटल 40 बुलेट है और यहाँ पे AKM से प्रीफायर देने को DMR के सागर के अंदर और हमें जरूर से योर डैडी अपने प्लेयर्स के रिवाइव देने की कोशिश करें। DMR सागर ने अपने कोई नहीं तो फिलहाल के AKM से काफ़ी बढ़िया प्रीफायर देने की कोशिश करें जैसे प्रीफायर देने की कोशिश लेकिन जी ने DMR की प्रमोद सागर यहाँ पे 1v2 कर चुके ऑलरेडी और यहाँ पे पूरी पूरी स्क्वाड देखिए टीम लॉस की स्क्वाड यहाँ पे हेलमेट कर चुके हैं। यहाँ पे जो अर्ली एग्रेसिव पुश देखने मिला, एक तरह से उन्होंने सोचा था कि वन प्लेयर पर रशिंग करके वन प्लेयर को नॉक इन फिनिश ऑफ कर देंगे, लेकिन जी नहीं। ये बंदे DMR सागर है, ये आपके नॉर्मल कोई क्लासिक प्लेयर नहीं है, तो एक तरह से कॉम्पिटिटिव प्लेयर के सामने अगर ऐसा ऐसा ब्रश करोगे 1v2 करने के लिए तो यहाँ पे इजीली हेलमेट हो सकते हैं। और यहाँ पे लाख कोबरेरा में और सॉरी माय बैड, यहाँ पे 17% में टीम लॉस्ट है तो 15 स्क्वाड में, तो यहाँ पे कोई दूसरी स्क्वाड आई है तो चेकआउट करके यहाँ पे टीम मैच चुकी 11th पोजिशन में। यहाँ पे 1200 मीटर्स का डिस्टेंस उनको कवर करना है। और जेडेस के बिलीवर ने यहाँ पे BH के फ्री की को यहाँ पे नॉक कर चुके हैं। यहाँ पे आसान दिल पत्थरों में जाके शायद से स्लाइम दे चुके हैं। यहाँ पे फ्री को डायरेक्टली नॉक इन फिनिश ऑफ कर चुके हैं। यहाँ पे चेकआउट करते हैं अभी फिलहाल उनकी तरफ से कैसे कवर कराते हैं। बिलीवर विद काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे कॉल फाइट काफ़ी बेहतरीन एक तो जिगल्स पर देने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे हम चुके एसटी की तरफ से यहाँ पे जरूर से रशिंग आ जाए और उनको बिलीवर को फोटो कर दिए। यहाँ पे M4 के स्पेस उनको नॉक एंड फिनिश यहाँ पे TOG के इंसिन ने एक किल जरूर से सिक्योर कर दिया, लेकिन यहाँ पे BST के फ्री के यहाँ पे हेलमेट हो जाएंगे तो यहाँ पे उनका लूट वगैरह फिलहाल सक्सेसफुल सिक्योर करते हैं। लेकिन ZX के बिलीवर ने टोटल 5 किल सिक्योर कर चुके थे, देखते थे उन्होंने ऑलरेडी 1v4 कर चुके थे और हम वांसू के ST कॉपी को भी यहाँ पे ऑलमोस्ट एलिमिनेट भी कर चुके थे। लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स ज़्यादा टीम एक्सट्रीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे आप प्लेयर्स कैसे नॉक इन फिनिश ऑफ करते नहीं रह सकते, तो यहाँ पे जरूर से उनका बदला भी यहाँ पे लेकर जा चुके हैं। यहाँ पे 74 में बढ़ते 74 में टीम TLG एंड एज वेल एज नहीं यहाँ पे कोई स्क्वाड नहीं है। यहाँ पे टीम बेस्ट की स्क्वाड थोड़ी सी दूर यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जिन्हें यहाँ पे वेयर हाउस पर होल्ड कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उनके प्लेयर्स यहाँ पे आते हुए उनको पिक ऑफ करने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पे शायद से उनका रोटेशन और सबसे पहले चेकआउट करते हैं रोटेशन जोन कहाँ पर बनता है। इफ आई एम नॉट अगर जोन बनना होगा तो नेक्स्ट लेवल से पेकाडो में जरूर से बनेगा, तो पेकाडो के अंदर स्क्वाड अगर कुछ भी अगर एंट्री कर ले अर्ली एंट्री कर दे तो एक तरह से उनको काफ़ी बेहतरीन लूट मिल सकता है। यहाँ पे लाखों ब्रेड साइड से इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे तो स्क्वाड अब रशिंग कर चुके हैं। मैक्स कर चुके नॉक एंड फिनिश ऑफ कर चुके लॉस्ट कैरी अपने ग्रेड से नॉकआउट हो जाएंगे और ऊपर और पे मैक्स कर चुके लॉस्ट के डेवल की तरफ पिक ऑफ कर चुके। मैक्स का भी 2 मैन स्टैंडिंग सिद्धू एंड नशु फिलहाल के काफ़ी बेहतरीन अपने पोजिशन होल्ड करते हैं। सिद्धू फिलहाल के TP भी लेने की कोशिश, नशु एक तरह से टीम लॉस्ट अगर रशिंग करेगी तो नशु पे सारा का सारा प्रेशर आ जाएगा और जरूर से अपने लिए अपने टीम के लिए जरूर से कवर फायर बनानी पड़ेगी। वहाँ पे सिद्धू बढ़ते सिद्धू एज यूजुअल कवर फायर में अब उनका जो मैक्स अर्शु को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश ऑफ कर चुके हैं, जबकि उनका जो क्रेट है एक तो उनकी उन्हीं के डायरेक्शन में था, लेकिन फिर भी उन अपने प्लेयर को बचा नहीं पाया और साथ ही सक्सेसफुली तो टीम लॉस ने एक किल यहाँ पे सिक्योर कर चुका। टीम लॉस एक तरह से रशिंग करते हुए देखने मिल जा रहे हैं। फिर मैक्स के नीचे फिलहाल पे ग्रेनेड करने की कोशिश और ग्रेनेड यहाँ पे अनसक्सेसफुल होते हुए यहाँ पे प्लेयर्स भी रशिंग नहीं करे। प्लेयर्स जब रशिंग करेंगे तब एक तरह से प्रीनेड करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे कुक तो काफ़ी बेहतरीन किया, लेकिन यहाँ पे वैन पे किसी ने एंट्री नहीं किया और फिलहाल टीम लॉस काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस गेम प्ले दिखाने की कोशिश। हम लॉस्ट के जेरी को जरूर से स्पॉट आउट कर चुके सिद्धू की तरह, लेकिन सिद्धू ऑफकोर्स चाहते अपनी पोजीशन को रिवील नहीं करना चाहेंगे और एक तरह से 2v4 की सिचुएशन को जरूर से एक्सटेंड भी नहीं करना चाहेंगे। एक तरह से उनके मैन एडवांटेज टीम लॉस्ट के पास ऑलरेडी जा चुका है और हम पे लॉस्ट के चेरी फिलहाल के ग्रेंड वगैरह करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे ओपन में आते हुए मैक्स के नशो ने यहाँ पे हेलमेट वगैरह उठाए, पता नहीं क्या था मैंने देखा नहीं, पर उनको साउंड क्यों जरूर आता है। और टीम कॉस्ट की तरफ टीम कॉस्ट के यहाँ पे रोटेशन आता है टीम 0-7 के सामने से टीम कॉस्ट के प्लेयर फिलहाल अपने जितने सारे व्हीकल्स उतने सारे व्हीकल्स कैप्टलाइज करने की कोशिश। चारों प्लेयर के चार व्हीकल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर आतोरी जी ने कॉस्ट कराया जाना आतोरी दोनों एक साथ चल रहे हैं और हम चेकआउट करते हैं टीम 0-7 के रोटेशन कहाँ से एंट्री कर पाते हैं। लॉस्ट कैरी यहाँ पर मैक्स के नशे को भी यहाँ स्पॉट होते तो मैक्स के नशे को पिक ऑफ कर दिए जाएंगे। यहाँ पर मैक्स के सिद्धू के अभी सर्वाइव कर रहे हैं कि चेकआउट करते शायद से जैसे बोला मैक्स के नशे काफ़ी ज़्यादा ओपन मारे थे, ये छोटे छोटे लूट करने के लिए इतना ओपन मारने की वजह से शायद से मैक्स के नशे को डायरेक्टली पिक ऑफ कर दिए और सिद्धू अपने को हेल्पकिट मारने की कोशिश करेंगे। यहाँ से फॉल बैक करना सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। यहाँ पे शायद से सेम डिसीजन को फॉलो करने की कोशिश, लेकिन हम टीम लॉस के छोटे यहाँ पे रशिंग करती रहती है अपने आपको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए इस वाले फाइट को एंगेज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक से जरूर से TP भी लेने की कोशिश टीम लॉस जरूर से यहाँ पे रशिंग करती जाएंगे। उनको जो स्पॉट करते हैं पिक्सल उनको सिद्धू को ऑलरेडी स्पॉट आउट कर चुके थे पिक्सल HP पिक्सल पॉइंट से और हमें टीम लॉस ने सक्सेसफुल यहाँ पे टीम मैक्स को हेलमेट कर चुके हैं टोटल 3 किल्स के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन खेलते हैं स्कॉट्स और हम चेकआउट करते हैं टीम 0-7 फिर सैन मार्टिन में जोर से एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे अपने चेकआउट करते हैं उनके कितनी अच्छी लूटें मिल चुके हैं। हमें मिनी 14+4x देखने को मिले विद द UMP। बाबा बढ़ते बाप सर अर्जुन ने शायद TOG के इंसिडेंट के यहाँ पे व्हीकल रोटेशन में स्पॉट आउट किया था और शायद से वो उनको जाने भी दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था। और हम बढ़ते बाबा वगैरह फिलहाल के अपने व्हीकल से रोटेशन अपनी जोन के अंदर एंट्री किया जस्ट जोन के अंदर एंट्री किया और अभी शायद से जैसे बोला पेकाडो के अंदर एटलास स्क्वाड से एंट्री करने के लिए शुरू कर चुकी है टीम बीस्ट हो गए पहली स्क्वाड जो कि पेकाडो के अंदर एंट्री कर रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने मेन बिल्डिंग को कैपिटलाइज नहीं करा और मेन फाइटिंग एरिना को उन्होंने अभी तक एंट्री नहीं किया। तो यहाँ पे चेकआउट करते अपने से पहला एयर ड्रॉप इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी हाँ तो इसके अंदर चेकआउट करते हैं इसके अंदर कौन से वेपन है। इसके अंदर ऑलरेडी लूट करते देखिए मेरी टीम जीरो के विद MK40 चेकआउट करते कि MK40 जी यहाँ पे MK40 यहाँ पे एक्वायर कर चुके हैं जीरो के गैंगस्टर के द्वारा। आपको पता है गैंगस्टर के गन स्किल्स कितने बढ़िया और यहाँ पे और जो MK40 वगैरह जो DMR वगैरह काफ़ी बेहतरीन चल रहा था गैंगस्टर। तो यहाँ पे टीम बैलेंस गैंग की स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। बैलेंस गैंग के गॉड एंड वाइपर उतर चुके हैं लेकिन इस वाले मैच उनकी 4 मैन स्टैंडिंग नहीं है तो इसलिए शायद से इस वाले गैंगस्टर को यहाँ पे सक्सेसफुली लूट को कैप्चर करने के लिए उनको टाइम दिया वगैरह शायद से उन्होंने शायद से फाइट भी कर सकते जी हाँ काफ़ी जो ओपन में था। अगर गॉड वगैरह होते तो जरूर से फायरिंग वगैरह दे सकते थे जिस जी ने उनको शायद से यहाँ से विजन नहीं दे करता। यहाँ पे एक बिल्डिंग का कवर था और यहाँ पे चेकआउट करते थे टीम इंसेन की तरफ। टीम इंसेन यहाँ पे बैन से रोटेशन देते हुए जी हाँ लाभेंद्र तक के अंदर से एंट्री करते हैं। उनके पीछे से एक स्क्वाड सेम पाथ से उनके एक तरह से पीछे पीछे फॉलो करते हुए देखने को मिल जाए। एंड एज वेल यहाँ पे सैन मार्टिन के वापस से क्लस्टर बनते हुए टीम एक्सट्रीम यहाँ पे टीम 20 यहाँ पे एंड एज वेल टीम 007 की स्क्वाड भी यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोज है। यहाँ पे अंशु एसटी को जरूर स्पॉट करते हैं। यहाँ पे मिनी पॉट से नॉक एंड फिनिश हमें हेडशॉट मिल जाएगा पे एसटी के ऊपर यहाँ पे 007 का अंशु का और यहाँ पे हेडशॉट यहाँ पे डबल हेडशॉट की वजह से यहाँ पे अर्जुन ने एक सक्सेसफुल यहाँ पे एसटी के ओपी को डायरेक्टली नॉक एंड फिनिश करते हैं। और टीम इंसेन के सिर्फ 2 बंदे सर्वाइव टीम इंसेन एंड BST काना कि अपने पोजीशन को होल्ड करने में क्या सक्षम हो पाते हैं क्योंकि हम टीम 007 की स्क्वाड यहाँ पे रशिंग करते हैं। 007 के सूरज पे फायर देने की कोशिश काना की तरफ से भाई उनको फोड़ आउट कर दी जाएंगे। टीम जी कैसे कवर फायर देने की कोशिश काना को फटाफट से अपना किट लगाना पड़ेगा और टीम जी कैसे फिलहाल के कवर फायर देने की कोशिश है लेकिन टीम 007 की तरफ से ग्रेनेड्स वगैरह आना शुरू हो जाए। बाबा फिलहाल के ग्रेनेड्स एंड मॉली दोनों कर दें कोशिश कर रहे हैं और हम पे ओपनली हम ग्रेनेड्स वगैरह करने की कोशिश करें तो आपको पता चलता होगा कि कितना ज़्यादा एग्रेसिव स्क्वाड है। लेकिन टीम 20 के स्क्वाड भी आखिरकार हम पे जोन के अंदर पीछे हम एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे बहुत बॉट करता है जोर स्पॉट करते हैं। टीम 20 आखिरकार उस फाइट में एंगेज कर रही है लेकिन टीम एक्सट्रीम एक तरह से बढ़िया हो रहा है क्योंकि एक तरह से फाइट में थोड़ा सा सेफ है जब तक टीम 20 के स्क्वाड में टीम 007 को लेफ्ट एंड राइट से नॉक एंड फिनिश ऑफ करने की ट्राई करेंगे। टीम एक्सट्रीम के स्क्वाड में फिलहाल के लिए हमें रशिंग करते हुए देखने को मिल जा रहा है। टीम 20 के स्क्वाड में जोर से फाइट में एंगेज कर रहे हैं और जरूर से चाहते हैं कि नॉक एंड फिनिश ऑफ सिक्योर कर जाए। और फिलहाल के लिए हम क्रॉस फायर बनाते हैं TOG के इंसान द्वारा एक बंदे को जी ने 007 के अर्जुन ने बेसिकली खाना ग्राउंड कर सकते हैं जैंगो अपने आप TOG के इंसान को स्पॉट एंड करके नॉकआउट कर चुके हैं। तो जिसके वजह से टीम एक्सट्रीम यहाँ पे हेलमेट हो जाएगी एट द 14 पोजिशन हो गया तो कोई बात नहीं टीम एक स्पॉट कर काफी बेहतरीन 007 के M16 के टैप ने यहाँ पे 007 कर चुके मिनी 14 के टैप से हम नॉकआउट हो जाए। यहाँ पे 20 के स्क्वाड काफी ज़्यादा बेहतरीन 20 के गजे फिलहाल के अभी भी यहाँ पे नॉकआउट कर दी काफी बेहतरीन यहाँ पे M4+4X का स्प्रे होता है चलो अलग बात हो लेकिन यहाँ पे AK+4X लगा के ये 20 के गजे यहाँ पे रन करते देखने को मिल जाए। सक्सेसफुल उन्होंने एक नॉक कर चुके लेकिन यहाँ पे अर्जुन शायद अभी सेफ है। हम स्मोक डाउन करने को अपने प्लेयर को यहाँ पे रिवाइव देने का जरूर से टाइम देंगे तो 20 के एक को भी यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा लेकिन अपने व्हीकल को जरूर से सेफ करना रहेगा वरना फिर यहाँ पे अपने व्हीकल के चक्कर में शायद से टीम 20 यहाँ पे हेलमेट हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओपन है। यहाँ पे बचपन के प्यार यहाँ पे मुकेश का नॉक निकल चुका टीम DMR का स्क्वाड का नॉक आ चुका है और फिलहाल के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे ग्रेनेड्स वगैरह कर रहे हैं शायद से एंट्री करने की कोशिश फिर टीम 007 का जो शायद से रिवाइव मिल जा रहा है भाई 007 की बाबा की तरफ से काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट प्लेयर का यहाँ पे रोल निभाते हैं बाबा की तरफ से और यहाँ पे यूके टीम ने मुकेश का डायरेक्टली नॉक देते उनको सिक्योर करते हैं। टीम 20 के स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ते हैं उन्होंने इस वाले फाइट को एंगेज करने का जो डिसीजन था उसके वजह से शायद से एक तरह से टीम 007 को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि एक तरह से किल वगैरह सिक्योर और टीम CN ने आखिरकार टीम TLG के वेनम को हम नॉकआउट कर चुके हैं। अब यहाँ पे 20 के वापस नॉकआउट हो जाएंगे CN के कताना TLG के वेनम को डायरेक्टली नॉकआउट फिनिश करते हैं। टीम CN के स्क्वाड चेकआउट करते हैं DMR के साथ बचपन के प्यार को नॉकआउट हो जाए जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे फाइट वगैरह एंगेज मतलब जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे खत्म हो जा रहा है जहाँ पे नहीं देख रहा वहाँ पे फाइट वगैरह शुरू हो रही है। तो वहाँ पे बेस्ट के एक वापस रिवाइव मिल जाएगा। वहाँ पे 007 का जो वहाँ पे फ्लैंक में निकल चुके हैं विद द ट्रक और एक तरह से अलग एंगल क्रिएट करने से काफी ज़्यादा बेहतर हो सकता है क्योंकि 007 का सूरज यहाँ पे बेस्ट के एक वापस नॉकआउट कर चुके हैं। अर्जुन यहाँ पे बॉट करता है उनको स्पॉट कर चुके हैं काफ़ी बेहतरीन टाइप फायर वहाँ पे अर्जुन यहाँ पे बॉट के अदान का नॉक भी सिक्योर करने की कोशिश यहाँ पे 007 के सूरज यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे भाई 20 के गजी को फॉलो कर चुके हैं भाई 007 का जो यहाँ पे 1 HP के सर्वाइव करे गजी विद 1 HP यहाँ पे आइडर के मैच वगैरह भी नॉकआउट हो जाएंगे सिर्फ 1 प्लेयर स्टैंडिंग और जो कि 20 के गजे अपने आपको सिर्फ 3 बैंडेज है लेकिन कब तक सर्वाइव करेंगे ये देखना रहेगा। और यहाँ पे टीम 007 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और अज्जू के जो फ्लैंक था एक तरह से सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि उन्होंने 2 नॉक से सिक्योर कर चुका है और तीसरे नॉक को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल जाए 007 के जैंगो पे काफ़ी ज़्यादा ओपन में बढ़ते हुए जी यहाँ पे जैंगो पे बढ़ते शायद से यहाँ पे 20 के गजे पे यहाँ पे ओपन रशिंग करने को यहाँ पे पड़ेगा टीम का कवर फायर आ जाएगा लेकिन यहाँ पे कवर फायर की जरूरत भी नहीं पड़े क्योंकि अब 007 के जैंगो पे एक तरह से 1v1 फाइट निकल जाए और टोटल 7 किल सिक्योर कर चुके इस वाले मैच के अंदर। टोटल 12 अपने को 13 अपने को टॉप 10 की तरफ बढ़ते हुए उनको नजर आ जाएगा। और हम बढ़ते हैं यहाँ पे सैन मार्टिन की तरफ, टीम टपाटप एंड अच्छा टीम डीएमआर की तरफ। टीम डीएमआर के सिर्फ दो बंदे सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे, एक तरह जहाँ जहाँ फाइट ले रहे हैं डीएमआर और वहाँ पे एक एक प्लेयर को नॉक एंड फिनिश ऑफ होते हुए देखने को मिल जाएगा। और डीएमआर इवेज के डू अभी सर्वाइव कर रहे हैं अपने स्क्वाड मेंबर के साथ, जो कि डीएमआर के सागर के साथ एक तरह से 2v2 फाइट। और अगर 2v2 फाइट में अगर डीएमआर के सागर अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे तो इस वाले पोजीशन में काफ़ी बेहतरीन नॉक्स निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के यहाँ पे बचपन के प्यार को स्पॉट आउट किया, लेकिन यहाँ पे ग्रेंड करने की कोशिश, ग्रेंड के कारण टोपा देखने चेकआउट करते हैं। जिन्हें ग्रेंड यहाँ पे फॉल बैक देखते से बाउंस बैक हो जाएगा यहाँ पे वॉल को लगने के साथ। यहाँ पे यूके किंग पे बढ़ते, यूके किंग के यहाँ पे कारनाइटेड से स्पॉट करने की कोशिश। यूएच के डिब्यू अगर साथ फ्लैंक पे निकल चुके हैं, जी हाँ छोटा सा फ्लैंक यहाँ पे रिच के पीछे से वो होल्ड करते देखने। और अगर यहाँ पे अगर किसी प्लेयर को स्पॉट आउट करें तो डायरेक्टली नॉक एंड फिनिश करने के चांसेस हो रहे हैं होंगे। तो यहाँ पे बचपन के पास भी सेम फ्लैंक पे निकल, फ्लैंक नहीं एक तरह से वो हिल पे चढ़ने की कोशिश। यहाँ पे यूके किंग भी सेम पाथ फॉलो करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे डीएमआर के सागर यहाँ पे वेयरहाउस तक आ चुके हैं। जी हाँ डीएमआर के सागर हैं एंड इविल्स के डू एक तरह सेम पाथ में जाने की कोशिश। यहाँ पे यूके किंग को स्पॉट आउट कर चुके हैं। जी हम करने वन एच के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। अगर उस प्लेयर का थोड़ा सा और बेटर होता और थोड़ा सा और परफेक्ट होता तो शायद यहाँ पे यूके किंग यहाँ पे नॉकआउट होने के चांसेस थे और डायरेक्टली नॉक एंड फिनिश ऑफ भी हो सकता है। और बचपन के पार एक तरह से हिल के ऊपर चढ़ने की कोशिश, और अभी डीएमआर के सागर ने स्पॉट आउट किया। बचपन के पार को यूके किंग अपने आपको हेल्थ किट मारते हुए पा जाएंगे। टीम 0-7 के स्क्वाड काफी ज्यादा क्लोज से एंटर कर रहे हैं। यूके किंग स्पॉट आउट कर चुके हैं। K9 का शॉट है, देखिए काफी बेहतरीन K9 का शॉट है डीएमआर सागर की तरफ। और अभी यूके किंग यहाँ पे नॉकआउट हो जाए शायद से, उनका नॉक वगैरह सिक्योर कर सकते हैं अगर काफी ज्यादा ओपन में आते हुए स्पॉट आउट होंगे तो। लेकिन जी हाँ उनके प्लेयर के तरफ कैसे कॉल पे बचपन के पास जोर से स्प्रे डाउन देने की कोशिश, लेकिन अभी टीम इविल्स के डू अगर अभी देखने मिल रहा है कि रशियन करते हैं। हमें M2 फोन के स्प्रे आएगा तो बचपन के पास जो है M4 के तरफ से स्प्रे डाउन करने की कोशिश, लेकिन जी नहीं अभी टीम टपाटप की स्क्वाड में हेलमेट हो जाएगी एट द 12th पोजीशन पे डू विद द 1 किल्स का। और उनके खाते में टोटल 4 किल्स जा चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे चेकआउट करते पैकआउट होकर टीम 0-7 टीम बैलेंस गैंग यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। जो स्क्वाड है लॉस लेनेस के अंदर से लूट करके आई है फिलहाल के लिए, पैकआउट के अंदर होल्ड करते देखने मिल जाएगा। यहाँ पे टीम 0-7 उस वाले पैकआउट वाले पोजीशन को यहाँ पे कैप्चर करने के लिए आ जाएगी। चेकआउट करते कहाँ पे फिलहाल के लिए रेड बिल्डिंग्स में होल्ड कर रहे हैं। और टीम 0-7 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ पे रशियन करते देखने मिल जाएगा। अज्जू अगर हमें वैन से एक तरह से पूरा रोल ओवर करते हैं उनको शायद से स्पॉट आउट करते यहाँ पे कहीं बंदा तो नहीं, लेकिन 0-7 का अज्जू यहाँ पे व्हीकल यहाँ पे स्लैम होते हैं। ये सबसे बेस्ट पोजिशन बेस्ट टाइमिंग होगा अगर बैलेंस गैंग के प्लेयर अगर उनको स्पॉट आउट करके नॉक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैंगो पे बढ़ते, जैंगो पे यहीं पे लूट कर रहे पैकआउट के अंदर शायद से उनकी लूट की कमी होगी। तो यहाँ पे फिलहाल के लूट वगैरह कंटिन्यू करें और यहाँ पे चेकआउट करते हैं उनके प्लेयर वगैरह शायद से ड्रॉप की तरफ बढ़ते हुए। अज्जू वगैरह ड्रॉप पे निकलते हैं, बाबा ऑलरेडी ड्रॉप को लूट कर चुके हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस वाले एड्रॉप के अंदर चेकआउट करते कौन सी वेपन है, और इस वाले एड्रॉप के अंदर यहाँ पे कुछ ऐसे MK40 वगैरह या फिर ग्रोजा वगैरह थी से उसको तो उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। और अब यहाँ से बढ़ते यूआर के मटन चॉप शायद से काफ़ी ज़्यादा जी नहीं क्लोज तो नहीं, शायद स्काउटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी भी चांसेस है कि टीम 0-7 के एक बंदे को नॉक एंड फिनिश करने के पूरे चांसेस है, क्योंकि टीम 0-7 काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। एक तरफ से 4 मैन स्प्रेड होकर एक तरफ एक स्काउटिंग वगैरह कर रहे हैं, जबकि अगर कहीं पे रशिंग करना होता तब इतना ज़्यादा घूमना ठीक था, लेकिन एक स्काउट करने में चारों प्लेयर्स स्काउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और हमें बढ़ते लाभ बंदे में जो कि टीम इंसियन की स्क्वाड यहीं पे लोड कर दिया। और उससे पहले मैं सभी सीखना चाहता हूँ जितने बंदे देखें, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे वीडियो को लाइक कर दो एंड एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक दो अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं किया तो। एंड चलो सब सारे के सारे आप चाहे तो आप हमारे स्क्रीन्स वगैरह को शेयर कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्कॉर्ड का लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप शेयर कर सकते हो, जिसके वजह से वो आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स वगैरह भी ऐसे स्क्रीन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप तो एज और यहाँ पे इंसियन के अनुमान फिलहाल के लिए यहाँ पे डांस करते हुए शायद तो उनको पता था कि क्या हम स्पेक्टेट कर रहे हैं कि नहीं, ये तो ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे शायद गलती से डांस वगैरह हो गया था। और यहाँ पे चेकआउट करते ये वाले एड्रॉप के अंदर कौन से अपने ये वाले एड्रॉप ऑलरेडी लूट कर चुके हैं स्क्वाड। और यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री करना पड़ेगा और हम बढ़ते टीम नंबर 19 की तरफ जो कि टीम टोरंटो की स्क्वाड है। आज के मैच से 3 बंदे ज्वाइन हुए यहाँ पे, नोर डिस्प्लोर रॉकस्टार एंड एज वेल टॉक्सिक बैनर। यहाँ पे टीम कॉस की तरफ से रोटेशन आ रही है। जी एंड टीम कॉस एंड एज वेल टीम TNC के बीच में फाइट हो सकती है। हमें टॉक्सिक बैनर को स्पॉट आउट कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल के सक्सेसफुल हमें कॉल बैक कर दिए जाएंगे। अपने को सेफ डिस्टेंस में लेके जाने की कोशिश, यहाँ पे उनके बगी का टायर जरूर से पॉप आउट कर चुके हैं। नॉट डिस्प्ले वगैरह साइड से जोन के अंदर एंट्री कर रहे हैं, ग्रेवयार्ड के अंदर चर्च के अंदर होल्ड कर रहे हैं। टीम यूज की तरफ से सेम तरह से रोटेशन आ रहा है और यहाँ पे इनकी तरफ से सलमान बाइक के स्टंट्स वगैरह होते मिस आउट हो चुके हैं। लेकिन यूज टीम डीएमआर की स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा एक तरह से स्पॉट करने की कोशिश अभी चल रहा है। टीम कॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे, कॉस्ट के फिनिक्स तो भी शायद से लेट हो दिया, कॉस्ट के फिनिक्स वगैरह लेट के स्प्रे दे रहे थे, लेकिन पता नहीं यहाँ पे जोन जैसे वो लगा पिकाडो को फेवर कर रहा है और भी पिकाडो को ही फेवर कर रहा है। और स्क्वाड्स जो भी पिकाडो के अंदर थे वो काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमें जोन के अंदर जब तक वहाँ पर उनको सिंगल मूवमेंट देने की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन टीम टोरंटो टर्किस कोड़ा एटलास यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री करते हुए मेरे को देखने मिल जाए ग्रेवयार्ड के अंदर। टीम इविल जरूर से इस वाला फैक्टर को डिनाई करें क्योंकि यहाँ पे टीम वैलेंस गैंग के हम वाइपर को नॉकआउट कर दिया जाएगा पेकाडो के अंदर। शायद से उनको स्पॉट कर चुके हैं, क्या उनको यहाँ पे रिवाइव मिल पाता है कि नहीं, चेकआउट करते हैं। यहाँ पे रेड बिल्डिंग के अंदर शायद से रशियन आ जाएगा, फिर बैलेंस गैंग के वाइपर जो कि सेकंड फ्लोर पे थे फिलहाल के लिए तो क्रॉल बैक करके उनके प्लेयर को रिवाइव देने की कोशिश करी जा रही है। टीएलजी के गोस्ट वगैरह भी यहाँ पे एटलास पेकाडो मारने की कोशिश, यहाँ पे वाइपर को स्पॉट कर दीजिए जी। काफी बेहतरीन कवर फायर हमें जैंगो ओपी की तरफ से और उनकी तरफ से जो M4+3X का स्प्रे काफी ज़्यादा बेहतरीन जा रहा है। और अभी फिलहाल के मॉलिश करने से मॉलिक करके शायद उनको नॉक इन फिनिश करने की कोशिश यहाँ पे जो फिलहाल के रेड बिल्डिंग को कैप्चर कर रहे हैं। बाबा की तरफ से काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे मॉली वगैरह किक करी जा रही है। और यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि अपने स्क्वाड के क्या टीम बैलेंस गैंग किस स्क्वाड पे क्या रशिंग करती है कि नहीं, या फिर ऑफकोर्स ये बात है उनको ये नहीं पता कि उनके प्लेयर्स कितने बंदे ज्वाइन हुए। और यहाँ पे टीम 0 KLW की स्क्वाड की तरह यहाँ पे एक तरह से मूवमेंट देखने वाला टीम 0 KLW एंड टीम CN की स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। फिर 2v3 सिचुएशन यहाँ पे CN के कताना हमें ग्रैंड करने की कोशिश लगेंगे, यहाँ पे ग्रैंड के वैसे कुछ ही डैमेज हो यहाँ पे कागे ओपन यहाँ पे CN के दांते को नॉकआउट कर चुके हैं। यहाँ पे टीम नंबर 0 KLW की स्क्वाड यहाँ पे रशिंग करते हुए और दांते किल वगैरह सिक्योर कर दिए जाएंगे। और इसी वजह से एक बंदे सर्वाइंग अगर कताना का अगर ग्रैंड अगर परफेक्ट होता है शायद से 0 KLW के कृष्णा को नॉक एंड फिनिश ऑफ करने के चांस थे, लेकिन उनको उसके बाद भी उनको नॉक कर दिया जाएगा। CN के कताना भी सर्वाइवर उन लोग फिलहाल के अपने को प्रोन डाउन करने पड़े क्योंकि काके ओपी वगैरह हम रशन कर दिए जाएंगे। रश करे तो नहीं, लेकिन उन्होंने जरूर से चेकआउट किया क्योंकि 0 KLW गैंगस्टर ने हमें MK14 का स्प्रे किया था और उनको पता होगा कि कतान काफ़ी ज़्यादा लो होंगे। और लेकिन फिलहाल के तो रश तो नहीं करे और अब फिलहाल के लिए अपना को फुल्ली हील करते हुए देखना मिल जाएगा। यहाँ पे यूआर की स्क्वाड यहाँ पे टीम CN एंड टीम 0 KLW के मेंबर्स को हमें ऑर्डर कर दिया, फिलहाल उनके व्हीकल्स को हमें डैमेज देने की कोशिश। CN के कताना है बढ़ते एक तरह से 1v2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जोपोनेंट में जो प्लेयर टीम 0 KLW स्क्वाड एक तरह से उनके MK14 जैसे भारी वेपन्स है और इतने भारी वेपन्स का क्या अपने लेके क्लच कर पाते कि नहीं वो देखना रहेगा। और यहाँ पे अभी स्पॉट आउट करने की कोशिश जोन के अंदर एंट्री करना पड़ा, लेकिन जोन के अंदर एंट्री कैसे करेंगे जबकि दोनों के दोनों व्हीकल्स जो थे वो फुल्ली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी भी एक वैन पड़ी हुई है टीम 0 KLW के पास, लेकिन ज़रूर से बात है कि इस वाले फाइट को बिना एंगेज किए तो यहाँ से जाने वाले नहीं है। और यहाँ पे जरूर से टीम 0 7 को एक और नॉक मिल जाएगा, बैलेंस गैंग को गॉड को यहाँ पे नॉकआउट कर दीजिएगा विद द ग्रैंड का। और टीम 0 7 यहाँ पे रशिंग करते हुए देखने मिल जाएगा, फिर वाइपर वगैरह जरूर से मॉली वगैरह करेंगे या फिर क्या अपने उनको उसके पुश को कैसे रोकते चेकआउट करना रहेगा। बाबा वगैरह एंगल्स वगैरह क्लियर कर रहे हैं, सारे सारे रूम्स को क्लियर करते देखने मिल जाएगा। अर्जुन ने अपने अपने आप पे मॉली कर वाइपर को स्पॉट कर दिए जाएंगे, एक तरह से बाबा ने विद द ग्रोजा के साथ टीम बैलेंस गैंग को यहाँ पे हेलमेट कर दिए जाएंगे एट द 11th पोजीशन। तो यहाँ पे बाबा की तरफ से काफ़ी बेहतरीन रश लेके यहाँ पे अर्जुन की तरफ से जो मॉली थे एक तरह से काफ़ी बड़ा विफ्ता और चाहे तो शायद से उसके वजह से पूरी स्क्वाड यहाँ पे हेलमेट हो सकते थे, लेकिन फिर भी सक्सेसफुली अपना को सर्वाइव करते हुए देखने मिल जाएगा। टीम इंसेंट की तरफ बढ़ते जो कि जोन के बाहर जोन के अंदर आ चुके हैं, वैसे जोन के एज टू एज खेल रहे हैं, जोन की गेट कीपिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे। एक तरह से वो चाह रहे हैं कि सारे स्क्वाड जोन के अंदर एंट्री करें, फिर बाद में लास्ट में वो जोन के अंदर एंट्री करके ईजी मतलब किल्स वगैरह सिक्योर कर सके फ्रॉम बैक साइड। तो हम पे चेकआउट करते टीम DMR की तरफ बढ़ते जो कि 2 मैन स्टैंडिंग है फिलहाल के। सागर वगैरह भी कैनन को रन करते देखने मिल जाएगा और अगर एक और शॉट वगैरह देखने मिल जाएगा तो काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। और अभी टीम कॉस्ट का स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरह से होल्ड करते हुए देख रही है, लेकिन यहाँ पे DMR सागर जैसी का तो यहाँ पे टीम कॉस्ट के एक बंदा नॉकआउट हुआ और टीम इनसे और टीम DMR के स्क्वाड एक तरह से स्प्लिट स्क्वाड की तरफ से देखने को मिलते क्योंकि इंसेंट के सेफ के ग्रेनेड से हमें कॉस्ट कराइजन हम नॉकआउट हो जाए। फटाफट से बढ़ते टीम इंसेंट की तरफ क्योंकि टीम इंसेंट की स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव देखने मिले, कॉस्ट कराइजन का किल वगैरह सिक्योर करने की कोशिश करें। यहाँ पे इंसेंट के सेफ के तरह काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एंड अच्छा हेडशॉट से हमें राइजन का किल वगैरह सिक्योर हो जाएगा। कॉस्ट के हथौरी अभी भी नॉक पड़े उनको हमें रिवाइव देते हुए देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे फिनिक्स ऑफिस जरूर से एंगल्स क्लियर करने की कोशिश क्योंकि उनको पता है टीम DMR के स्क्वाड यहाँ पे रश करते हैं। अर्बन की मार दूंगा टीम DMR के सागर ने फिर जरूर से स्पॉट आउट किया था, लेकिन DMR के सागर ने कॉस्ट के वैनम को नॉकआउट कर चुके हैं। DMR के स्क्वाड की तरफ से यहाँ पे रशिंग करते देखने मिल जाएगा। अगर जी ने यहाँ पे कॉस्ट के काफ़ी बेहतरीन फिनिक्स की तो काफ़ी बेहतरीन जगह और इवेल्स का ड्यूज से काफ़ी ज़्यादा दूर है अपने यहाँ पे स्मोक का कॉस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग कॉस्ट के स्क्वाड ने उनको स्पॉट आउट कर दिया था। तो यहाँ पे स्प्रे आने की वजह से यहाँ पे टीम अभी डीएमआर के सागर के हम उन पर कवर फायर देने में सक्षम नहीं हो पाए, लेकिन टीम कॉस अभी सर्वाइविंग विद द टू मैन स्टर्निंग पे वैनम को हमें रिवाइवल मिल जाएगा भाई। और प्लेसों से कागे पे नॉकआउट हो जाए। टीम जीरो कैलोन की स्क्वाड इसमें बोला कि जोन के बारे में नॉक इन फिनिश होते हुए देखने में जीरो सीएन के खतरनाक एटलास जोन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। उनके गोल्डन नहीं है नॉर्मल मिराडो और मरते टीम 0-7 के जैंगो ओपी जो कि उनको नॉकआउट कर दिए जाएंगे। अब कागे ओपी का किल फिलहाल प्लेसों से कंफर्म हो जाएगा। फिर टीम 0-7 जो कि ऑलरेडी 7 के 9 किल सिक्योर कर चुके थे आज के मैच के अंदर, अभी टीम उसके और पर जैंगो ओपी का किल वगैरह भी ऐसा सिक्योर हो सकता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर उनके प्लेयर्स वगैरह जल्दी आएंगे नहीं और उनको स्पॉट आउट कर चुके जी हैं। फिर टीम टीएलजी की स्क्वाड यहाँ पे स्पॉट आउट कर चुका था और हमें एक से डैमेज देने की कोशिश है टीएलजी की। और हमें ब्रोकन ट्रक के साथ हम एंट्री करते हैं, हमें चाउट टीम लॉस्ट के चेरी वगैरह ये हमको स्पॉट आउट कर चुके टीम 0-7 के बाबा और टीम 0-7 कर चुके दोनों को स्पॉट आउट कर चुके एक तरह से 1 HP हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन अभी तक सर्वाइव करने कोशिश हमें 0-7 के बाबा ओपन से आने की कोशिश, जेरी ने उनको बाबा को शट डाउन कर दिया और उनका नॉक एंड फिनिश ऑफ करने की कोशिश यहाँ पे जैंगो ओपी को रिवाइव देने यह तो मिल जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन हम टीम टीएलजी के स्क्वाड तो जोन के अंदर एंट्री करे और टीम इविल्स की तरफ जोर से स्प्रे आ रहा है जी। M4+4X का स्प्रे आ रहा है जिसकी वजह से टीम लॉस्ट की स्क्वाड यहाँ पे रश नहीं करे। एटलास्ट टीम टोरंटो की स्क्वाड भी एंट्री करती है। हमें 3 मैच स्टैंड यहाँ पे नॉर के डिस्पेयर बढ़ते नॉर के डिस्पेयर पे M24 का शॉट्स वगैरह कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे एटेक्स के साथ और यहाँ पे लॉस्ट के जेरी ने जोर से पिक दिया था। टीम लॉस्ट विद 4 मैच स्टैंड उनके 4 प्लेयर का एक एक किल है और लेकिन अपने एक ही किल काउंट को क्या बड़ा पाता है कि चेकआउट करते हैं पे एरी एंड चेरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी दोनों एक साथ रशिंग करते देखने मुझे। लेकिन ओपन डॉट टीम 0 कैलोन स्क्वाड हेलमेट हो जाएगा जैंगो ओपी ने ग्रैंड किया था लेकिन हम लॉस्ट कैरियर जरूर से नॉकआउट हो जाएंगे। लॉस्ट के जरिए अभी सर्वाइव कर लेकिन अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीम 0-7 की स्क्वाड हेलमेट हो जाएगी जी हाँ 0-7 की स्क्वाड हेलमेट हो जाएंगे। रॉकस्टार के 812 के स्प्रे से यहाँ पे हेलमेट हो जाएंगे इसमें काफ़ी बेहतरीन टीम टोरंटो की तरफ से। और बेविल्स के डिवीजन पे कॉस के फिनिश के दोनों बंदे को नॉकआउट कर जी हाँ काफ़ी बेहतरीन एक तरह से 1v2 हो चुका है जी हाँ। और अब टीम कॉस की स्क्वाड यहाँ पे हेलमेट हो जाएगा 8 पोजीशन के साथ और हमें टीम इंसियन की तरफ बढ़ते टीम इंसियन के सेफ वगैरह स्पॉट आउट कर रहे हैं यहाँ पे जोर से अपने एंगल्स वगैरह क्लियर कर और साथ ही में जिसमें जोन टू जोन एंट्री कर रहे हैं। और बढ़ते टीम अर्बन गेमिंग की तरफ जो कि अर्बन गेमिंग स्क्वाड काफ़ी बेहतरीन रिकॉल कंट्रोल लेकिन इंसियन के सेफ अभी सारा करे 1 HP के साथ जी हाँ। और अभी चेकआउट करते हैं अर्बन गेमिंग पे अर्बन गेमिंग जोर से हमें एंगल्स वगैरह क्लियर कर रहे हैं मटन चॉप पे एक तरह से टीम इंसियन के 2 बंदे इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन दोनों को जोन के अंदर उन तीनों टीम्स को जोन के अंदर जाना पड़ेगा। और अर्बन गेमिंग मार दूंगा सीएन के कतन को आखिर का फिनिश ऑफ कर चुका टीम सीएन की स्क्वाड यहाँ पे 7 पोजीशन में हेलमेट हो जाएगा और यहाँ पे ग्रेनेड्स वगैरह कर दी जा रही है टीम इंसियन की तरफ। और हम टीम इंसियन के सेफ मिनी 40 के साथ टीम टोरंटो के स्क्वाड के डिस्पेयर को स्पॉट कर चुके हैं। फिलहाल के लिए उनके एक भी बुलेट्स हमें कनेक्ट होते हुए देखने नहीं मिले लेकिन काफ़ी बेहतरीन अपने आप को डॉच करते हुए फिर नॉर के डिस्पेयर एक तरह से मैट्रिक्स के नियो बन चुके हैं और फिर अपने आप को सारे बुलेट्स को डॉच करते हुए देखने मिल जाएगा। टीम अर्बन गेमिंग एटलास जोन के अंदर एंट्री करें विद मिराडो के साथ लॉस्ट के देने और टॉक्सिक वैनम को नॉकआउट करते हैं। अब मरते टीम टोरंटो के स्क्वाड के अंदर फिर नॉर के डिस्पेयर की तरफ से क्या हमको एक और M24 का शॉट्स वगैरह आ सकता है लेकिन अभी तक तो उनकी तरफ से कोई भी M24 का शॉट नहीं। और रॉकस्टार स्क्वाड हमें टीम इंसियन के हमें टैप कर देने को हमें इंसियन के सेफ हमें बना इसमें जरूर से उनके सेफ से लेवल 1 का हेलमेट था जिसका इतना ज़्यादा डैमेज प्राउड हो चुका है। लेकिन हम बढ़ते तब तक टीम लॉस्ट की डेविल एंड जेरी अभी सर्वाइव कर रहे हैं। और हम भाई योर के मटन चॉप ने यहाँ पे लॉस्ट के जेरी को भी स्पॉट आउट कर चुका है नॉक आउट एंड डायरेक्टली फिनिश ऑफ कर दिए जाएंगे योर के मटन चॉप के द्वारा। अब इसी बचे 6 टीम्स बचे टोटल 11 प्लेयर्स हो तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सी टीम जैसे टीम डीएमआर अभी सर्वाइव कर टीम अर्बन गेमिंग टीम टीएलजी टीम लॉस टीम टोरंटो एंड एज टीम इंसियन की स्क्वाड अभी सर्वाइव कर रॉकस्टार के सिद्ध को हमें नॉकआउट कर चुके हैं इविल्स के डिवी के द्वारा। और हमें इविल्स के डिवी जरूर से ग्रेनेड से कंफर्म करने की कोशिश टोरंटो के एकमात्र प्लेयर काफ़ी ज़्यादा जोन के बाहर आके फाइट में एंगेज कर रहे थे तो इसका जरूर से उनको भुगतना रहना पड़ेगा। और हम इंसियन स्क्वाड एटलास जोन के अंदर एंट्री करते हैं देखिए मुझे टीम टोरंटो की स्क्वाड पे रशिंग करनी है। हमें टॉक्सिक वैनम नॉर के डिस्पेयर एक तरह से 1 HP पहुंच चुके ऑलरेडी और अगर उन पर रशिंग करेंगे तो इजीली हम पे स्क्वाड पे हेलमेट होने के चांसेस लेकिन ग्रेनेड्स वगैरह कर दिए जा रहे हैं। और जैसे वाले इविल्स के ड्यू वगैरह यहाँ पे रॉकस्टार का किल वगैरह कंफर्म करते हैं। फिलहाल पे ओपन से जाते हुए कोशिश यहाँ पे नॉर के डिस्पेयर को स्पॉट कर दिया नॉर के डिस्पेयर हम नॉकआउट कर दिए और हमें टीम टॉक्सिक वैनम को स्पॉट कर दिया और टीम टोरंटो का हेलमेट हो जाएगी यहाँ पे M4+ सप्रेस की वजह से सप्रेसर के साउंड की वजह से उनको पता नहीं चला कि कहाँ से आ रहा था। लेकिन अपने आप को टोटल 6 किल सिक्योर कर चुके हैं इविल्स के ड्यू की तरफ से अपने टॉप 5 में लेकर अपनी टीम को और फटाफट बढ़ते लॉस्ट के डेविल जो कि जोन के बाहर से एंट्री कर रहे हैं हमें इविल्स के ड्यू की तरफ से फटाफट और यहाँ पे टीम लॉस्ट टीएलजी की स्क्वाड काफ़ी मुश्किल है टीएलजी के गोस्ट पर जोर से योर के मटन चौक जोर से स्पॉट आउट किया था योर के मटन चौक को किल वगैरह वो भी जोन के बाहर अपने को जोन के अंदर एंट्री करने से अच्छा ये होगा कि अभी फिलहाल के फाइट में एंगेज करो। उनको थोड़ा खर्च ओपन में इतना तो ओपन में टिपी भी क्लियर थे, मेरे को ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए एलिमिनेट हो जाएंगे फ्रॉम लॉस्ट स्कॉट लॉस के डेविल की तरह। तो अपने सिर्फ से टॉप 3 बच जाएंगे टीम इंसेंट, टीम टीएलजे, टीम लॉस। फिर लॉस के डेविल अभी सर्वाइव करें, उनके ऐसे एक ईजी जोन मिल जाएगी क्योंकि उनके यहाँ पे छोटा सा रिजिस्ट वगैरह, तो उसके तरह से जोन के अंदर एंट्री इजीली मिल जाएगी। लेकिन टीएलजे के स्कॉट यहाँ पे हेलमेट होने के पूरे ऊपर चांस है, उनके सिर्फ एक छोटा सा रिजिस्ट, लेकिन उसके बाद उनको रोड क्रॉस करना पड़ेगा थोड़ी देर का, क्योंकि अभी जोन जब तक जोन है तब तक वो जोन के अंदर एंट्री बनाए रखे। टीम इंसेंट के वजह से उसी गोल्डन मिराड का कवर रहेगा और फिलहाल उसी गोल्डन मिराड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर टीम लॉस की तरफ जरूर से रशिंग करते हुए देखने मिलेगा, हम इस मुख्य कवर से जा रहे हैं, लेकिन टीम लॉस के डेविल को क्या उनको क्या स्पॉट आउट कर पाएंगे या फिर खुद भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, वो चेकआउट करना रहेगा। टीएलजी स्क्वाड को जरूर स्पॉट आउट चाहिए, टीएलजी गोस्ट को स्पॉट आउट चाहिए, बॉडी शॉट और साथ ही हम टीएलजी गोस्ट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन स्प्रेड आउट करने की कोशिश, यहाँ पे ग्रेनेड साथ जा रहे हैं, यहाँ पे केयर की तरफ से एक तरह से 1v2 हो जाए, केयर को भी स्पॉट आउट कर दिया जाएगा स्प्रे से। यहाँ पे टीएलजी स्क्वाड एलिमिनेट हो गए और एक बंदा सर्वे करे जो कि लॉस्ट के डेविल की तरफ, और लॉस्ट के डेविल को भी यहाँ पे स्पॉट आउट कर चाहिए एक तरह से 1v2, लॉस्ट के डेविल के 1v2 कर पाते फिलहाल के ग्रेंड्स को कुक करने की कोशिश। और अपने लॉस्ट इंसेंट के एनवॉय फिलहाल इस वाले फाइट में पूरा डिसंगेज करते हैं, उनके पास MK14 जैसे भारी भारी वेपन, लेकिन इस वाले फाइट के अंदर आगे नहीं बढ़े, ना ही अग्रेसिव करने की कोशिश कर। लेकिन यहाँ पे लॉस्ट के डेविल पे लगातार ग्रेंड्स करने से एक तरह से 1HP होते हैं और फिलहाल मॉली वगैरह कर दिया जा रहा है। टीम इंसेंट की तरफ से अपने आप को आखिरी हेल्थ किट्स वगैरह लगाने का टाइम दिया जा रहा है, अभी आखिरी हेल्थ किट वगैरह शायद से उनको डायरेक्टली मेड किट लगा देना था और उनका हेल्थ किट वगैरह बाकी की फाइट में उनको छोड़ देना चाहता, लेकिन फिलहाल के लिए 1v2 करना रहेगा दोनों टीम जोन के बारे। और टीम इंसेंट के सेफ वगैरह ओपन में रश करते काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, इंसेंट के एनवॉय की तरफ से क्या कवर पर आएगा कि नहीं चेकआउट करते हैं। यहाँ पे जरूर से स्मोक के कवर के पीछे लॉस्ट के डेविल अभी सर्वाइव करें, लेकिन कब तक सर्वाइव करेंगे ये देखना रहेगा। और इंसेंट के सेफ विटोड़ा 5 किल्स कर अपने का 6 किल की तरफ बढ़ते कि नहीं चेकआउट करते हैं। और यहाँ पे लॉस्ट के डेविल फिलहाल के लिए इस वाले फाइट को कैप्टलाइज करने की कोशिश, यहाँ पे 1v2 करना रहेगा और हम काफ़ी बेहतरीन प्रोन शॉट और साथ प्रोन शॉट के सक्सेसफुल करेंगे, लेकिन हमें जरूर से जिक्र देने की कोशिश अभी सर्वाइव करें। और हमें इंसेंट के एनवॉय की तरफ से बेहतरीन M7 के स्प्रे से यहाँ पे टीम इंसेंट गेटिंग देयर फर्स्ट सिग्नेचर विद टोटल 6 फिनिशेस के साथ यहाँ पे GG बोलते हुए यहाँ पे टीम इंसेंट को, और यहाँ पे फटाफट से बढ़ते सेकंड पोजीशन में आ चुकी टीम लॉस्ट विद टोटल 5 फिनिशर, थर्ड पोजीशन में आ चुकी टीम टीएलजी विद टोटल 1 फिनिशर, फोर्थ पे आ चुकी टीम डीएमआर विद टोटल 9 फिनिशर्स। यहाँ पे एविल्स के ड्यूल एक तरह से आज के पहला मैच के MVP बनते हैं, क्योंकि उनके जो किल काउंट्स में क्या ही बताया टोटल 6 किल और उन्होंने आज के मैच में काफ़ी सिर्फ एक तरह से एक बार 1v2 किया, एक बार 1v3 किया, तो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और हम पे 5th पोस्ट में आ चुकी टीम आर्बन गेम विद टोटल 3 फिनिशर, पे 6th पा चुकी टीम टोलम तक विद 3 फिनिशर, 7th पा चुकी टीम सीएन विद टोटल 2 फिनिशर, 8th पा चुकी टीम कॉस विद 1 फिनिशर, 9th पा चुकी टीम 007 विद टोटल 5 फिनिशर्स, सॉरी माई वर्ड 5 नॉट 5 इट्स 11 फिनिशर। यहाँ पे मैंने अज्जू के 6 किल्स चेकआउट नहीं किया था, तो यहाँ पे अज्जू मैंने भी टोटल 6 किल्स चेकआउट किया था आज के मैच के अंदर। और यहाँ पे बढ़िया 10th पोस्ट में आ चुकी टीम 0 के विथ 1 फिनिशर, यहाँ पे 11th पे आ चुकी टीम बैलेंस गए विथ टोटल 0 फिनिशर, 12th पे सिक्योर करती हुई बाई टीम टपाटा विथ टोटल 1 फिनिशर, 13th पे आ चुकी है टीम बीस्ट विथ टोटल 1 फिनिशर एंड 14th पोजीशन सिक्योर करती है बाई टीम एक्सट्रीम विथ 1 फिनिशर एंड 15th पोजीशन में आ चुकी टीम मैक्स विथ टोटल 0 फिनिशर, 16th में आ चुकी है ZX विथ 5 फिनिशर सॉरी, एंड अभी 17th में आ चुकी है टीम यूर विथ 1 फिनिशर, एंड अभी 18th पोजीशन सिक्योर करती है बाई टीम R3 विथ 0 फिनिशर, 19 में आ चुकी है HRCV विथ टोटल 0 फिनिशर्स के साथ। तो वापस से कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए टीम इंसेंट फॉर गेटिंग द फर्स्ट सिग्नेचर एंड अब इंसेंट के से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन खेलता है, उनके टोटल 5 किल्स है और इसी 5 किल्स की वजह से आज के मैच में वो 1st पोजीशन सिक्योर कर चुके। तो यहाँ पे GG बोलते हुए और अब फिलहाल के तो वीडियो यहाँ पे एंड होते हैं और हम आपको कुछ ही देर में वापस से मिलेंगे विद आवर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं आज के MVP कौन सी टीम बनी थी। पीपल्स की टीम यहाँ पे MVP बने क्योंकि आज के मैच में लास्ट तक सर्वाइव किए टोटल 6 फिनिशेस के साथ। तो यहाँ पे जरूर से MVP पीपल्स की टीम पे जाता है और यहाँ पे बेस्ट कंपनी यहाँ पे यूके किंग की तरफ। और यहाँ पे चेकआउट करते हैं पे इंसेंट के एनवॉय यहाँ पे आखिरी फिनिश सिक्योर करने की वजह से यहाँ पे फिनिशर का टैग उनको जाते हुए। सो यहाँ पे वीडियो यहाँ पे एंड होते हुए। सो यहाँ पे दिस इज TNC वहाँ पे विद TNC टॉक्सिक साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, सी यू and we will see you in our next video. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it baby, you know I'm the plug right. But you gotta feel it that it's gonna be a long night.